कश्मीर पर एक बार फिर यूएन पहुंचा है पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी की यूएनएससी को चिट्ठी, भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है, ये कह रहे हैं कुरैशी। यूएन से गुहार लगा रहे हैं, कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है भारत, ये कहा गया है कुरैशी की तरफ से। और एक बार फिर ये आशंका जताई जा रही है कि हिंदुस्तान कश्मीर में कुछ बड़ा कर सकता है। ये कैसा खौफ है, ये पाकिस्तान का जो डर है, ये कौन सी कहानी कह रहा है? खास तौर पर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो जिम्मेदार नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ये डर क्या कह रहा है कश्मीर पर पाकिस्तान का डर? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यूएनएससी को लिखी है चिट्ठी, और इस चिट्ठी में क्या जिक्र किया गया है? जिक्र ये हुआ है कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये कुरैशी डर जता रहे हैं, भारत फिर से कश्मीर के विभाजन का प्लान कर रहा है और इस प्लानिंग में लगा हुआ है। ये यूएन से जाकर कह रहे हैं कुरैशी, कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है भारत। जो लेटर भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से उसमें इस बात का भी जिक्र है, कश्मीर में होने वाले बदलावों पर हम चिंतित हैं, परेशान हैं, ये कह रहे हैं कुरैशी। आखिर इसका मतलब क्या है? अयूब मिर्जा साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कसवर, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा जानकारी हमारे सामने रख दें, यूएनएससी में जाकर यह गुहार लगाना, इसका मतलब क्या है, सबब क्या है? नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है कसवर अब्बास के पास आवाज नहीं आ रही है। लेकिन उससे पहले अचल मल्होत्रा साहब, इस पर आपका एक रिएक्शन, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। अचल मल्होत्रा जी, आपका जो भारत को लेके या कश्मीर को लेके पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग, तो आप इस मुद्दे को जहां जहां जैसे भी कॉन्टेक्स्ट में हो, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट हो, आप उसको बस ढोल पीटते रहिए। जबकि आप ये हकीकत यह है कि अब तक आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं। हाँ। मैं पीछे तो नहीं जाता, 370 जब से हमने हटाया या इसको रीऑर्गेनाइज किया, हाँ। पाकिस्तान ने हजार कोशिश कर ली इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की, और हर बार इसे मुंह की खानी पड़ी है। अब अगर भारत कश्मीर में कुछ करने जा रहा है तो एक और पॉजिटिव स्टेप लेने जा रहा है, वो शायद वहां की इलेक्टोरल प्रोसेस को रिस्टोर करने की दिशा में होगा। 24 तारीख को शायद प्राइम मिनिस्टर की जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे बातचीत होगी। मुझे लगता है कि पूरे आसार है, और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव जो वहाँ की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, वहाँ पे इलेक्शंस ऑलरेडी, कुछ इलेक्शंस पंचायत वगैरह छोटे लेवल पे तो डेवलपमेंट काउंसिल लेवल पे हो चुके हैं, लेकिन अब जो स्टेट लेवल पे इलेक्शंस है तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। होता क्या है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सपने में भी वही चीजें आके सताती हैं। पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी की डेमोग्राफी को खराब किया, बदला, बलूचिस्तान में ये कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट बलूचिस्तान नेशनल आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए खड़ी है, चाइना के खिलाफ इसलिए खड़ी है कि उसको लगता है कि सीपेक कॉरिडोर के चलते हुए वहां की डेमोग्राफी को बदल दिया जाएगा। तो जो जो गलत चीजें आप अपने घर में करते हैं तो आपको लगता है कि दूसरी कंट्री भी आप ही को, आप ही के नक्शे कदम पे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मल्होत्रा साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं अब जल्दी से अयूब मिर्जा साहब का रुख करता हूँ, जाने माने एक्टिविस्ट हैं पीओके के और बड़ी बुलंद आवाज है इनकी। मिर्जा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ पीओके में आवाजें बुलंद हो रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, पीओके छिनने का डर सता रहा है पाकिस्तान को, फिर भी कश्मीर का राग जारी है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो आपने है जो चिट्ठी लिखी है इसने, शाह महमूद कुरैशी ने जी यूएन को, इसका बैकग्राउंड ये है कि नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को दिल्ली में दावत दी है मीटिंग करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब हम डायरेक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। और आज पीडीपी की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती, पहले तो वो हर बात को इनकार कर देती थी, लेकिन आज उन्होंने मीटिंग बुला ली है पार्टी की कि हमें दिल्ली अगर जाना है तो हम क्या मौकफ लेकर जाएंगे। हाँ। तो जाहिर है अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और वहां की असेंबली दोबारा से काम करना शुरू करती है तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है पाकिस्तान की एक दफा फिर। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक ये दो तरफ काम चल रहा है, एक तरफ तुर्की काम कर से ये मदद ले रहे हैं,
और एनाटालिया डिप्लोमेसी फोरम जो अंकरा में बेस्ड है उसकी तरफ से ईयू से इन्होंने दावत दी है इमरान खान को कि वो वहां आके एड्रेस करें। हाँ। लेकिन ये जो अफ्रीका की आपने बात की है जी, ये अफ्रीका के वो ममालिक हैं, जरा रिसर्च कर लीजिएगा जी, ये वो ममालिक हैं जो चीन के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और इनको चीन ने इनको मजबूर किया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके ये फोरम बनाए। ये फोरम चलने वाला फोरम नहीं है, बिल्कुल, यानी इसमें चीन का रोल भी है। देखिए वही तिकड़ी सामने आ गई ना मिर्जा साहब, यही होता है जब भी कुछ खुराफात सामने आती है ना तो यही तिकड़ी सामने आती है। गफ्फारी साहब फिर से मुस्कुराएंगे, चीन तुर्की पाकिस्तान, गफ्फारी साहब यही है ना हकीकत। समीर, चीन तुर्की पाकिस्तान को आप छोड़ दें, ये जो आपने बंदा बिठाया हुआ है यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में और पाकिस्तान के हवाले से बकवास करने के लिए। हाँ, कभी ये तो बकवास लगेगी आपको, मतलब जो सच कहे वो बकवास। वाह गफ्फारी साहब वाह, जो सच कहे वो बकवास। आप चाहे जितनी बकवास कर ले, आपका मुल्क चाहे जितना कश्मीर का राग छेड़ ले, जिस तरह से कंगाल मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं वो बकवास नहीं लगता है। बंदे ने जो भगोड़ा है जो अपने कश्मीर में नहीं रहता, मैं जान रहा हूँ गफ्फारी साहब, अयूब मिर्जा की बातें आपको चुभेंगी, आपको चुभेंगी, इमरान खान को चुभेंगी, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। बने रहिए, ठीक है, बने रहिए, बने रहिए गफ्फारी साहब, बने रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।